हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEC 001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए। तो इनके अलावा आपको जो जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोडेड हैं वो सारी करनी है और जो आगे होंगी, और साथ साथ इनके अलावा आप जितना अपनी तरफ से सिलेबस कवर कर सकते हैं वो भी आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं इस बार आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यूनिट वन में से आपको ये 8 टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं। कुछ मैंने नए इस बार ऐड करे हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो जिनकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आते हैं यूनिट टू पे। तो यूनिट टू में आपको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स जो भी हैं भाई, जिस भी आपके यूनिट में न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ज़रूर करने हैं। यूनिट थ्री में ये 5 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। ब्लू वाला टॉपिक अच्छे से, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, देख लेना आप। फिर आते हैं यूनिट फोर पे, जहाँ पे आपको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बताना है, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, इनके बीच का डिफरेंस ये मैंने करा रखा है, आप लोग देख लेना वीडियो में। अजम्पशंस क्या है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, और चाउ टेस्ट। फिर आता है यूनिट फाइव, जिसमें आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक जो है कवर करने हैं। फिर आते हैं यूनिट 6 पे, मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, कैसे डिटेक्ट होती है, इसके कंसीक्वेंसेस क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी ऑटो कोरिलेशन के दोनों टॉपिक जो ये यूनिट्स हैं अच्छे से कर लेना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। डर्बिन वाटसन टेस्ट है ऑटो कोरिलेशन के लिए, इसे अच्छे से कर लेना। तो यूनिट 6 में आपको ये 2 टॉपिक, 7 में ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं, यूनिट 8 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर यूनिट 9 पे आते हैं, ये आपकी यूनिट 9 है जिसमें आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 10 में सिर्फ आपको डमी वेरिएबल्स के करेक्टरिस्टिक और एनोवा मॉडल को कवर करना है। यूनिट 11 में आपको ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, और 12 में ये 6 टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। फिर आते हैं यूनिट 13 पे, जिसमें आपको ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। 14 में आपको जो आइडेंटिफिकेशन जो ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, उनकी थ्योरी भी एग्जाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन, और मैंने सॉल्व भी करा रखा है एक क्वेश्चन, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो 13 में 3 और 14 में आपको ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। 15 में आते हैं तो ये 5 टॉपिक आपको कवर करने हैं। 16, 17, 18 जो यूनिट है ये आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो टोटल 18 यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट में, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।